आज त्रिकोण मिति से आपका परिचय कराया जा रहा है। त्रिकोण मिति की उत्पत्ति ग्रीक शब्दों से हुई है, जो ग्रीक शब्द है ट्राई, जिसका अर्थ तीन, गौन, गौन का अर्थ है यहाँ पे भुजा, मेट्रॉन का अर्थ है माप, यानी ट्रिग्नोमेट्री की उत्पत्ति ग्रीक शब्दों ट्राई जिसका अर्थ तीन, गौन जिसका अर्थ भुजा, मेट्रॉन जिसका अर्थ माप से हुई है। तो इन तीन शब्दों से ट्रिग्नोमेट्री की उत्पत्ति हुई है। ट्रिग्नोमेट्री गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न वस्तुओं की ऊंचाइयां, जैसे कि भवन की ऊंचाई, किसी मंजिल मीनार की ऊंचाई या खम्भे की ऊंचाई, ये सारी ऊंचाइयां या दूरियां ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे त्रिकोणमिति के द्वारा हम एक त्रिभुज की भुजाओं एवं उसके कोणों के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। ए कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ ए बी सी, ये हमने समकोण त्रिभुज लिया। तो त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात तथा उनके निम्न कोणों के सापेक्ष का अध्ययन करेंगे, जिसे हम त्रिकोणमिति अनुपात कहेंगे। तो एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात उनके निम्न कोणों के, निम्न कोण यानी कि यहाँ पे निम्न कोण जो दिख रहे हैं ए और सी है, उनके निम्न कोणों के सापेक्ष का अध्ययन करेंगे। इन कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं इसे। तो यहाँ पे देखिए त्रिकोणमिति अनुपात क्षेत्र त्रिकोणमिति अनुपात है, साइन कोसाइन टेंजेंट कोसेकेंट सेकेंट टेंजेंट, ये छह त्रिकोणमिति अनुपात दिखाए गए इनके संक्षिप्त रूप इसको लिख सकते हैं हम, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, यानी कि ये संक्षिप्त रूप है इसकी, संक्षिप्त रूप। तो कितने त्रिकोण की तीन अनुपात है, छह, हमने बताया साइन कोसाइन टेंजेंट कोसेकेंट सेकेंट कोटेंजेंट, हमने बताया अभी कि संक्षिप्त रूप में इसको हम लिखते हैं साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। अब हमने बताया कि त्रिकोण की अनुपात भुजाओं का अनुपात है, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के किस प्रकार अनुपात में इसको संबंधित करती है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला शो करते हैं, इससे हम एक याद करने का एक ढंग, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं लाल बटे, इसको कक्का बोल देते हैं वैसे ही याद करने के लिए बच्चों को, बहरहाल एल एल बटे डबल के ऐसा लिखा है हमने। तो एल यहाँ पे जो दर्शाता है, एल का अर्थ यहाँ पे हम याद करने के ढंग से लंब बोल देते थे और के को कण बोल देते हैं, जैसे एल को यहाँ पे क्या बोल देते हैं लंब और के को कण और ए को आधार। तो यहाँ पे हमने जो याद करने की दृष्टि से ये हमने लिखा है, तो इन त्रिकोणमिति अनुपात को हम कैसे यहाँ प्रदर्शित करते हैं, कैसे यहाँ शो करते हैं, तो यहाँ देखें
ये जो है तुम्हारा, अभी बताया हमने कि एल लंब और के कर्ण को यहाँ पे परिभाषित करेगा व्याकरण की दृष्टि से, तो ये दिखाएगा जो ये साइन, यानी साइन का मतलब है साइन कोई न्यून कोण के लिए जो साइन का मान होगा, साइन का जो अनुपात होगा भुजाओं का अनुपात लंबटीकरण, साइन किसी न्यून कोण के लिए साइन का जो मान यानी कि भुजाओं का जो अनुपात होगा लंबटीकरण। इसी प्रकार यहाँ पे ये दूसरा अनुपात दिख रहा है आधार बटीकरण, तो ये प्रदर्शित करेगा कॉस को, यानी कॉस क्या हो जाएगा, ये किसको हमने बताया आधार, ये किसको बताया कर्ण, तो कॉस प्रदर्शित करेगा आधार बटे कर्ण, या कौन का चिन्ह बटी का चिन्ह। अब ये तीसरा जो रेशियो है, तीसरा जो अनुपात है, ये तुम्हारा करेगा टेन को, यानी कि साइन कॉस टेन, यहाँ पे हमने दिखाया है साइन यानी कि लंबटीकरण, कॉस आधार बटीकरण, टेन लंबटीकरण, किसी समकोण के जो त्रिभुज में किसी न्यून कोण के लिए ये फॉर्मूला बनेगा, त्रिभुज के त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात एवं कोण में संबंध। तो यहाँ पे अगर लिखा जाए तो साइन, अब इस न्यून कोण के लिए देख रहे हैं, इस न्यून कोण के लिए यानी कि ए के लिए, न्यून कोण ए के लिए, तो यहां पे एक बात ध्यान रखें, किसी समकोण त्रिभुज में जो कण कण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, ये जो तुम्हारा कण है यहाँ पे कण एसी से दिखाया गया है, एसी कण सबसे बड़ी भुजा होती है, बी यहाँ पे समकोण दिखाया गया है, ए और सी न्यून कोण दिखाया गया है, किसी न्यून कोण के लिए, अब यहां कौन सा न्यून कोण लिया, न्यून कोण ए के लिए, किसी न्यून कोण के लिए हम क्षेत्र कोण की अनुपातों को कैसे हम प्रदर्शित करेंगे, यहाँ पे भुजावण कोण में एक संबंध स्थापित करेंगे। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है कि समकोण त्रिभुज के किसी न्यून कोण के सामने की भुजा सदैव लंब कहलाती है, यहाँ पे देखो ये तीन बातें, लंब कर्ण आधार, तो किसी समकोण त्रिभुज के किसी न्यून कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे ए न्यून कोण है, इसके सामने की भुजा कौन सी है, बी सी, तो ये क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, यानी न्यून कोण ए के लिए जो लंब होगा वो क्या होगा, बी सी, इस त्रिभुज में हमने जैसा कि दिखाया बी सी, आधार जो होगा ए बी, कर्ण हमेशा यही रहता है, कर्ण होगा तुम्हारा एसी, न्यून कोण ए के लिए, अभी हमने बताया कि समकोण त्रिभुज के किसी न्यून कोण के सामने की भुजा लंब कहलाएगी, और ये जो समकोण बनाने वाली दो भुजा है ये सामने की भुजा लंब कहलाएगी, ये संलग्न भुजा क्या कहलाएगी, आधार, तो कर्ण हमेशा यही रहता है। अगर हम इस न्यून कोण की बात करें, कोण सी के लिए कहें, तो कोण सी के लिए सी भी न्यून कोण है ना, कोण सी के लिए ये लंब हो जाएगी, और ये आधार समकोण बनाने वाली भुजा कौन कौन है, ए बी बी सी है, तो कोण सी के लिए लंब ए बी, आधार बी सी, कर्ण ए सी हुआ। तो अभी हम न्यून कोण ए के लिए दिखा रहे हैं क्षेत्र कोण के अनुपात किस प्रकार दिखाएंगे, पहली बात हमने ये साइन कॉस टेन इन तीन को दिखाया, लंबटीकरण आधार बटीकरण लंबटी आधार, अब यहाँ पे तीन और शेष रह गए, कॉस से सह कॉट, अगर हम इसको व्युत्क्रम कर दें, उलट दें, तो यहाँ पे बन जाएगा के के के, यहाँ पे लिख रहे हैं थोड़ा ध्यान देना, एल ए एल, तो ये हमने क्या किया कि इसको उलट दिया, यानी कि व्युत्क्रम कर दिया, नीचे का ऊपर कर दिया, ऊपर का नीचे कर दिया, तो यहाँ पे अब के अभी बताया हमने कर्ण कहलाता है, एल लंब कहलाता है, अब सिर्फ तीन त्रिकोणमितीय अनुपात और बची हुए, तो ये कहलाता है तुम्हारा कौशेक, यानी कौशेक को कहेंगे हम किसी न्यून कोण के लिए, कौशेक बराबर होगा कर्ण बटे लंब, समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के लिए कौशेक बराबर
प्राणवती लव। अब कौन सा है से, तो यहाँ पे लिखेंगे से, तो से बराबर हुआ यानी कि किसी निकोण के लिए, अभी उन्होंने बताया समकोण त्रिभुज की किसी निकोण के लिए से बराबर हुआ प्राणवती आधार। यहाँ पे देखा जाए अब बचा कौन सा कॉट, तो कॉट बराबर हुआ तुम्हारा आधार बटे लंब। तो इस प्रकार हमने छह त्रिकोणमिति अनुपातों को दिखाया है। देखिए साइन कोना आपके समझ लीजिए, साइन लंबटी कम, कॉस आधार बटी कम, टेन लंबटी आधार, यहाँ पे कोई एंगल लिया जाएगा जो समकोण त्रिभुज के किसी भी कोण को प्रदर्शित करेगा, कॉस है कर्णवटी लंब, से कर्णवटी आधार, कॉट आधारवटी लंब। अब हम यहाँ पे देखें न्यून कोण ए के लिए, अब न्यून कोण ए के लिए सामने की भुजा लंब और ये जो समकोण बनाने वाली भुजा आधा का हमेशा वही रहेगा। तो देखा हमने साइन ए के लिए यानी साइन ए बराबर, साइन ए बराबर हो जाएगा तुम्हारा क्या होता है साइन बराबर लंबटे कर्ण, लंबटे कर्ण यहाँ पे हो जाएगा लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे ए के लिए लंब कौन सा है बी सी, तो बी सी बटे ए सी, इसी प्रकार कॉस ए बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। अब आधार यहाँ पे क्या है ए बी बटे ए सी, इसी प्रकार टेन बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब यहाँ पे क्या है बी सी बटे आधार, आधार क्या है यहाँ पे ए बी। अब ये कोण ए के लिए इन त्रिकोणमितीय अनुपात दिखाए हो, कॉसेक के लिए क्या होगा कॉसेक ए बराबर होगा कर्ण बटे लंब, यानी कि कर्ण बटे लंब। तो कर्ण यहाँ पे क्या है कर्ण तो वही है, कर्ण कभी बदलते ही नहीं, कर्ण है ए सी, लंब क्या है यहाँ पे बी सी, ए के लिए सामने की भुजा लंब यानी बी सी, सह के बराबर हुआ तुम्हारा आधार बटे सॉरी कर्ण बटे आधार। अब कर्ण क्या है यहाँ पे वही ए सी, आधार क्या है ए बी कॉट ए, कॉट ए बराबर हो जाएगा तुम्हारा आधार बटे कॉट, कॉट यहाँ पे कोई एंगल यहाँ पे ए दिया है इसका मतलब ये नहीं है कौन, ये तो आधार को शुरू करेगा, कॉट ए बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। अब आधार इसमें क्या है इसके लिए ए लंब है ये आधार है, आधार होगा तुम्हारा ए बी, लंब क्या होगा बी सी। तो इस प्रकार समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण भी क्या है कोण भी यहाँ पे दिखाया गया है समकोण, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में न्यून कोण ए के लिए सामने की भुजा लंब और समकोण बनाने वाली भुजा ए बी आधार कर्ण इसी, तो इस कोण ए के लिए क्षेत्र कोणमितीय अनुपातों के सूत्र हमने दिखाए हैं साइन कॉस ए टेन कॉस ए कॉस ए सेक सॉरी सेक कॉट ए। अब यहाँ पे हम कोण सी के लिए देखेंगे, तो कोण सी के लिए देखें कोण सी के लिए देखिए यहाँ पे देखिए इसी में थोड़ा परिवर्तन करेंगे, कोण न्यून कोण सी के लिए अब हमने बताया कि समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है, तो कोण सी के सामने की भुजा कौन सी है ए बी, तो कोण सी के लिए लंब कौन सा होगा ए बी, तो कोण सी के लिए लंब होगा क्या ए बी और आधार हुआ क्या बी सी, कर्ण वही रहेगा कर्ण क्या होगा ए सी। अब कोण सी के लिए तो यहाँ पे सी यानी कि साइन सी कॉस सी टेन सी कॉस एक्स सी
ठीक है भाई, ये तो शब्दों में ऐसे लिखा जाएगा दंपति का, ये सारी चीजें होंगी। अब लम बदल गया, सी के लिए लम हो गया ये भी, तो यहाँ पे देखा जाए कौन सी के लिए, अब सूत्र तो वही होता है शांति बराबर लम बदल का, तो कौन सी के लिए लम होगा ए बी और कर्ण ए सी कॉस सी के लिए आधार बटे का सूत्र होता है, आधार बन गया ये बी सी बटे ए सी। अब लम बटे आधार, लम बटे आधार, सी के लिए ये लम ये आधार, तो ए बी बटे बी सी। अब कॉस ए के लिए कर्ण बटे लम, कर्ण क्या वही हमेशा रहता है तो ए सी और लम ए बी, क्योंकि सी के लिए लम ये है बार बार बता रहे हैं ये भी। सेक्सी कणवटी आधार, अब कण एसी आधार, कणवटी आधार आधार क्या हो जाएगा तुम्हारा बीसी। कॉट कॉट के लिए आधार बटी लम, यानी आधार बटे लम, इसी के लिए लम ये आधार, तो आधार क्या होगा बीसी बटे लम ये भी। तो इस प्रकार समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं, दोनों न्यून कोण के लिए हमने छह त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्रों को यहाँ पे दिखाया समझाया। अब इसी बेस पर सवाल भी होंगे। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है, थोड़ा यहाँ साफ कर लें, अब यहां पे समझिए, थोड़ा समझिए यहां पे ये ले लिया हमने ए बी सी वही थी, समझ लो यहां थीटा के लिए हम शो कर रहे हैं सारे अनुपात, कोण ए को मान लिया हमने थीटा, ग्रीक समझिए इसमें, यहां समझ लीजिए ये थीटा लिया, ये ग्रीक अक्षर है, ग्रीक अक्षर थीटा, यानी कि यहां लिखते ग्रीक अक्षर थीटा, इसको बोलते हैं थीटा थीटा। मान लीजिए एक कोण न्यून कोण जो है समकोण त्रिभुज एबीसी में, जो एक कोण न्यून कोण थीटा मान लिया हमने, अब इसके लिए ये लंब ये आधार कर्ण, यानी कि ये क्या होगा इसके लिए लंब, सॉरी ये होगा कर्ण, ये क्या होगा लंब, ये क्या होगा आधार, हम थीटा के लिए दिखा रहे हैं, तो यहां पे लिखा जाएगा साइन थीटा क्या होगा लंब बटे कर्ण, यानी कि बीसी बटे एसी। कॉस थीटा वाला क्या होगा आधार बटे कर्ण, आधार हमने फिक्स कर दिया थीटा, इसी को देख रहे हो, तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। अब इसके लिए कहते तो ये लंब देखते थे, यहां आधार देखते थे, कर्ण वही रहेगा, तो कोण को हमने थीटा मान लिया, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी बी सी बटे ए सी, जो भी यहाँ पे लिखा हो, यहाँ ये दशा है बी दशा है यहाँ सी दशा है, साइन थीटा बराबर बी सी बटे ए सी, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, वही चीज जो बताया था हमने, आधार क्या है यहाँ पे ए बी बटे ए सी, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा तुम्हारा बी सी बटे आधार ये भी। अब तीन त्रिकोणमितीय अनुपात ये हुए, अब शेष तीन त्रिकोणमितीय अनुपात यहां लिखा है, कॉस ए थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे, लिखा हुआ है कर्ण बटे लंब, कर्ण क्या है ए सी, लंब क्या है आपके बी सी, क्योंकि हमने फिक्स कर दिया थीटा के लिए, देख रहे हैं यहाँ पे sec थीटा बराबर हो जाएगा तुम्हारा कर्ण बटे आधार, कर्ण यहाँ पे क्या है AC, आधार क्या है AB, cot थीटा बराबर हो जाएगा
आधारवती लंब। अब यहाँ पे आधार क्या है? ए बी। लंब क्या है? बी सी। अब यहाँ थोड़ा देखने की बात है, यहाँ देखिए तुम साइन थीटा बराबर होता लंब बटी का, और यहाँ दिख रहा है कि कॉसेक थीटा बराबर होता कोण बटी का। तो देखा जाए इन इनमें कोई संबंध है, देखिए एक संबंध शो कर रहा है ये बार, यानी साइन थीटा कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम है, वो इसका है कॉसेक, कह सकते कॉसेक थीटा साइन थीटा का व्युत्क्रम है। तो अभी हमने यहाँ पे अगर एक फिगर बना दें ऐसा, ध्यान दे तो एल ए एल के ए, यहाँ पे हमने लिखा था साइन, यहाँ पे लिखा था कॉस, यहाँ पे लिखा था टेन, ठीक है। साइन लंबरीकरण, कॉस आधा बड़ीकरण, टेन लंबरी आधा। अगर यहाँ पे देखा जाए तो कॉसेक ऐसा लिख दें तो कॉसेक क्या होता है? कर्ण बटे लंब, यानी साइन कॉसेक का व्युत्क्रम है, कॉसेक साइन का व्युत्क्रम। यहाँ पे देखा जाए कॉस आधार वाली कर्ण और सेक होता कर्ण वाली आधार, तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं सेक, तो सेक जो है तुम्हारा कर्ण वाली आधार हो जाएगा। यहाँ पे कॉट, कॉट क्या होगा? आधार वाली लाओ। तो साइन के लिए ऊपर से अनुपात करेंगे, साइन बराबर लंब बटी कर्ण, कॉस बराबर कॉस जो भी मूल कोण है उसके लिए, कॉस बराबर आधार बटी कर्ण, समकोण त्रिभुज में जो मूल कोण के लिए ले रहे हैं, यहाँ थीटा के लिए ले रहे हैं, टेन थीटा लंब बटी आधार, कॉसेक बराबर जो हो जाएगा कॉसेक कर्ण बटी लंब, सेक कर्ण बटी आधार, कॉट आधार बटी, यानी एक दूसरे के व्युत्क्रम। तो इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा में, कॉसेक थीटा में, सॉरी कॉस थीटा सेक थीटा में, टेन थीटा कॉट थीटा में, देखो यहाँ पे एक संबंध स्थापित हुआ, साइन थीटा का लंब बटी कर्ण तो कॉसेक थीटा का कर्ण बटी लंब, ये दिया सूत्र के अनुसार। तो यहाँ देखा जाए तो साइन थीटा बराबर होता है एक बटे कॉसेक थीटा, एक बटे कॉसेक थीटा, या इसी को लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर एक बटे साइन थीटा, जो भी एंगल है वो वही एंगल इस पर दिया जाएगा भाई, थीटा है तो थीटा लो, ए है तो ए है, जो भी यहाँ लिखा हो वही यहाँ लिखा जाएगा। इसी प्रकार देखिए कॉस थीटा बराबर आधार बटे का, सेक थीटा और कर्ण बटे आधार, तो कॉस थीटा सेक थीटा का व्युत्क्रम है, ये सेक थीटा कॉस थीटा का एक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा बराबर ए बटे सेक थीटा, या इसी को सेक थीटा बराबर ए बटे कॉस थीटा। इसी प्रकार टेन में संबंध हो रहा है, क्योंकि टेन थीटा और क्या है लंब बटे आधार, कॉस थीटा आधार बटे लंब, टेन थीटा बराबर हो जाएगा तुम्हारा एक बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा ए बटे टेन थीटा। तो हमने ये संबंध दिखाया, अगर हम देखें यहाँ पे एक चीज और सपोज करें साइन थीटा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें साइन थीटा का क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि कॉसेक थीटा ऐसे कर दें, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा? एक के। बहुत ध्यान देने की बात है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये चीजें अभी आगे सवालों में यूज होंगे। तो यहाँ पे देखा जाए, इसमें देखा जाए इसी की वो चल रही हूँ, इसका इस्तेमाल कर दिया, इसका इस्तेमाल कर दिया, तो यहाँ देखा जाए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? एक के, क्योंकि इसका इसका मल्टीप्लाई करो तो एक के बराबर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करो, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होगा? एक के होगा, ये हमेशा होगा, जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ है, ये एंगल कहलाता है साइन का एंगल थीटा, कॉसेक का एंगल थीटा, जब एंगल समान मल्टीप्लाई हो साइन कॉस में तो ये बने बड़ा। ऐसी इसी प्रकार टेन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू वन, ये फॉर्मूले स्थापित हो जाते हैं इसमें। अभी हमने बताया ये सारे सूत्र बताए, फिर इसमें देखिए साइन कॉस के बीच में जो संबंध है ये होता, कॉस सेक के बीच में ये संबंध हो जाएगा, टेन कॉट के बीच में ये संबंध हो जाएगा, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये फॉर्मूला बन जाता है, वेरी मोस्ट है, इसको स्टूडेंट बहुत ध्यान दें। तो हमने बताया ये एंगल जो यहाँ होगा वही एंगल यहाँ, अगर हम यहाँ सपोज साइन एक्स लिख दें, एक बटी कॉस एक्स हो जाएगा, समझ रहे ना,
यहाँ जो भी एंगल होगा वही एंगल इसको लगा लिखा जाएगा। अगर यहाँ स्क्वायर चढ़ा दें यहाँ पे तो यहाँ भी स्क्वायर नहीं आएगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक बटे कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं। जो यहाँ परिवर्तन होगा वही यहाँ परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इतना आज समझ चुके होंगे। ओके, इसके बाद हम थोड़ा भी और पढ़ाएंगे आगे। अभी ये फॉर्मूले से आपको परिचित कराया है, त्रिकोणमिति का परिचय कराया हमने, त्रिकोणमिति की उत्पत्ति ग्रीक शब्दों से अभी बताया हुई है, ट्राई ट्राई मतलब तीन, और गौन गौन मतलब भुजा, मेट्रॉन मेट्रॉन का मतलब माप, त्रिकोणमिति की उत्पत्ति इन ग्रीक शब्दों से हुई है। फिर हमने बताया त्रिकोणमिति के अंतर्गत जो त्रिकोणमिति जो घर की शाखा है इसके अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं की ऊंचाइयां भी आगे देखेंगे। इसमें विभिन्न वस्तुओं की ऊंचाइयां दूरियां ज्ञात करेंगे, जैसे भवन की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई, और दूरियां जो है खम्मा कितनी दूरी पर है हमसे, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं तो वो दूरी डिस्टेंस सारी दिखाई जाएंगे इसमें। अभी स्टार्टिंग में इतना ही काफ़ी है, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें इसको, फॉर्मूले कैसे याद किए जाते हैं, फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं, ये हाँ बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये सारी चीज़ किताबों में मिलेगी। हमें बताया कि साइन एन थीटा है तो ये वाली कॉसेक एन थीटा, यहाँ मल्टीपल जो भी है, यहाँ पे जैसे साइन टू थीटा है ये वाली कॉसेक टू थीटा, समझ रहे हैं ना जो हम कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल होगा वहीं पे एंगल होगा। तो यहाँ पे हमें बताया कि साइन कॉस के बीच में, कॉस एक के बीच में, टेन कॉस के बीच में एक संबंध हो रहा था। अभी टेन साइन कॉस के बीच में कैसे होता है? हेलो, हाँ तो अभी हमने ये सारे रिलेशन बताए इसमें। अब टेन साइन कॉस में रिलेशन, कॉट कॉस कॉट साइन कॉस में रिलेशन, टेन कॉट का ये रिलेशन में बताया दीजिए। तो टेन साइन कॉस में कैसे रिलेशन करता है, कॉट भी कॉस साइन में कैसे रिलेशन करता है, हम इससे फॉर्मूले कैसे बनते हैं, बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूले जो बुक में नहीं मिलेंगे, हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। फॉर्मूले कैसे डिफाइन किया, कैसे बनाया जाए।